वेलकम फ्रेंड्स, और आज वीडियो में आप सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई हिंदी में कैसे करेंगे, जैसे आपका समथिंग इज मतलब ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट, जो चीज़ होती है वो आपका पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे मैं खाना खा चुका था, वह गाना गा चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके, तो इस तरह से होगा तो आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थे, चुके थे, इस तरह से। अब इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना, तो वाई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी हेड, क्या होती है हेड, ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हेड, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि सिंगुलर के साथ यूज करें या प्लूरल के साथ हेड है, तो आपका बिल्कुल दोनों के साथ ही हेड ही यूज होना है। तो आते हैं सिंपल सेंटेंस पर। फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ये चीज़ आपको पता है, यूनिवर्सल लॉ है। तो जैसे मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड, थर्ड फॉर्म है ईट, एट ईटन, आई हैड ईटन फूड। मैं नाश्ता कर चुका था, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। जैसे वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। ही फॉर सब्जेक्ट, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, और गो वेंट गॉन, तो गॉन इज थर्ड फॉर्म ऑफ गो। तो आया आपको समझ में ही हैड गॉन। अब आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव आपको पता ही है, हेड के बाद क्या लिखना है आपका नॉट, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह नहीं जा चुका था, तो ही हैड नॉट गॉन, ही हैड नॉट गॉन। जैसे वह नहीं खेल चुका था, तो ही हैड नॉट प्लेड, इस तरह से होगा आपका नॉट। तो इसमें सिर्फ हेड, और आप चाहें तो हेड नॉट को आप हेडेंट बोलें, हेडेंट प्लस शॉर्ट फॉर्म आपका। तो जैसे मैं खाना खा चुका, तो आई, मैं खाना नहीं खा चुका, तो आई हैड नॉट टेकन फूड, आई हैड नॉट टेकन, सॉरी ईटन फूड आएगा, ईटन आएगा, टेक भी यूज कर सकते हैं वैसे, आई हैड नॉट ईटन फूड। और अगर नाश्ते के लिए करेंगे तो नाश्ते में आपका टेक टेक ही आएगा। जैसे मैं नाश्ता नहीं कर चुका था, तो क्या होगा आपका आई हैड नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। गॉट इट, तो सिंपल सा था आपका नॉट हैड नॉट हो जाएगा। अब आपके पहुंचते हैं नेगेटिव हो गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आपका क्या होगा, हेड आपका कहाँ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट, तो आपका पहले क्या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे क्या मैं नाश्ता कर चुका था, तो इसका क्या होगा हैड आई टेकन ब्रेकफास्ट, हैड आई टेकन ब्रेकफास्ट। जैसे क्या वो खेल चुका था, तो इसका हो जाएगा हैड ही प्लेड। आया समझ में, सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल है, सीधे से सरल से। तो आप प्रैक्टिस करें इनको, और बिल्कुल कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, और कभी नहीं भूलेंगे आप, बस ये चीज़ ध्यान रखें आप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।